खबरों में आगे बात करते हैं रुड़की की, जहां नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अब राशन माफियाओं के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में रुड़की का चार्ज लेते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले 3 राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की है। रुड़की के नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राशन माफियाओं के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राशन माफियाओं के खिलाफ FIR करने की भी निर्देश दे दिए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सबसे पहले पाडली गांव पहुंची तो उनके सामने ग्रामीणों ने सबसे पहले राशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर वे भड़क गई। वहीं उसी समय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राशन डीलर के साथ जाकर राशन के गोदाम पर छापा मारा, जहां पर बड़े पैमाने पर खामियां मिली। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर समेत विपणन निरीक्षक से भी जवाब तलब किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की इस कड़ी कार्यवाही से राशन माफियाओं और खाद्य आपूर्ति विभाग में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और DM ने शहर में पॉलीथीन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें व्यापारियों से लाखों का जुर्माना वसूला था और बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जब्त की थी। हमने 3 सरकारी राशन के डीलर की दुकानें सील करा दी हैं, इन पे हमने FIR भी दर्ज करा दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हम राशन डीलर्स पकड़े, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, उसको पहले ठीक करके संज्ञान में लेते हुए और मुकदमा जहाँ जहाँ दर्ज हो रहा है वहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद उसको पूरा संज्ञान लेते हुए एक और प्रोसेस आगे छापामारी का अभियान शुरू करें। यहाँ पर जो कार्रवाई की गई थी, यहाँ पर मैं पाडली गुर्जर के लोग मेरे पास 3 दिन पहले आए थे। कम से कम 100-150 महिलाएं आई थी, जिन्होंने ये अपने राशन कार्ड को देख के दिखाया था कि इनको सितंबर से राशन नहीं मिला है। तो मैं पाडली गुर्जर जो मैं मदरसा के कार्यक्रम में गई थी, वहाँ पे लोगों से मेरी बात हुई, और फिर वहाँ से सीधे जो डीलर है वो गोडाउन में आए हुए थे, तो उनको ट्रेस करते हुए हम गोडाउन में आए। गोडाउन में हमने चेक किया कि इन्होंने गोडाउन से कितना स्टॉक उठाया है और अब सप्लाई इंस्पेक्टर्स को वहाँ भेजा है। ये बात क्लियर है कि 2 महीने से लोगों को राशन नहीं मिला है, वो किसी कारण असमर्थ थे, तो उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। और सप्लाई इंस्पेक्टर एक बार जब ये निकाल के पूरी डिटेल लाएंगे तो उनका भी स्पष्टीकरण कॉल किया जाएगा। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट।